तो गाइस किस गाइस स्वागत है आपका हमारी कोनी वीडियो के अंदर। और आप सभी लोग मुझे पिछले वीडियो के अंदर काफी सारी कमेंट कर रहे थे कि हम इस वाले अपडेट के अंदर बिग वाले एरोप्लेन को ड्राइव कर सकते हैं या नहीं, एंड हम सभी लोग अपनी गेम के अंदर निसान जीटीआर कार को कैसे ले सकते हैं। एंड आप सभी लोग मुझे पिछली वीडियो के अंदर ये भी कमेंट कर रहे थे कि आपने टीवी को कैसे ऑन किया और हम सभी लोग टीवी को कैसे ऑन कर सकते हैं। एंड आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको जिम का एक सीक्रेट चीट कोड बताने वाला हूं, जिसकी हेल्प से आप सभी लोग जिम के अंदर जिम भी कर पाओगे। एंड गाइस लिटरली आज की इस वीडियो के अंदर हम सभी लोगों को काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो जल्दी से आप लोग हमारी वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल पर नहीं तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलो फिर शुरू कर लेते हैं आज की इस कमाल की वीडियो को। तो गाइस मैं आपको जो हमारे गेम के अंदर स्पानी बिट आई है उसके अंदर कई सारे न्यू चीट कोड भी आए हैं, एंड मैंने पहले भी आपको वो सारे चीट कोड भी बता दिए है। एंड मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपको ये भी बता दिया था कि मैंने टीवी को कैसे ऑन किया है एंड आप सभी लोग टीवी को कैसे ऑन कर सकते हो। एंड आप सभी लोगों को ये तो पता होगा कि इस बार के अपडेट के अंदर हम टीवी को ऑन नहीं कर सकते हैं एंड इस बार के अपडेट के अंदर टीवी ऑन का अपडेट भी नहीं आया है। एंड गाइस मैं आपको हमारी गेम के कुछ ओल्ड चीट कोड बता देता हूँ एंड इसके बाद मैं आपको निसान जीटीआर कार के बारे में भी बताने वाला हूँ। एंड मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि इस बार के अपडेट के अंदर हम बिग वाले एरोप्लेन को ड्राइव कर सकते हैं या फिर नहीं। तो गाइस अभी मैं आपको हमारी गेम के कुछ ओल्ड चीट कोड बताने वाला हूँ जो कि शायद अभी के टाइम पर आप लोग यूज भी नहीं करते होंगे। तो गाइस अगर आप लोग अपनी गेम के अंदर न्यू KTM बाइक को लेना चाहते हो तो इसके लिए आपको सिंपली 1190 डायल करना होगा। एंड आप सब लोग जब इस वाले चीट कोड को डायल करोगे तो आपकी गेम के अंदर प्यारी सी न्यू KTM बाइक आ जाएगी। एंड गाइस आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बताना कि आप में से कौन कौन लोग इस वाली बाइक का अभी भी यूज करते हैं। एंड गाइस अभी मैं आपको KTM बाइक की कुछ और बाइक्स भी दिखा देता हूँ। तो गाइस जो ड्यूक बाइक है उसके लिए आपको सिंपली 4215 डायल करना होगा। एंड आप लोग जब इस वाले चीट कोड को डायल करोगे तो आपकी गेम के अंदर प्यारी सी ड्यूक बाइक आ जाएगी। एंड गाइस लिटरली आप लोग जब इस वाली बाइक को ड्राइव करोगे तो आपको गेम खेलने में काफी ज्यादा मजा आएगा। एंड गाइस अगर आप लोग अपनी गेम के अंदर KTM बाइक को लेना चाहते हो तो इसके लिए आपको सिंपली 1210 डायल करना होगा तो आपकी गेम के अंदर प्यारी सी KTM बाइक भी आ जाएगी। एंड गाइस आप में कई सारे लोग ऐसे हो गए जो अभी तक पल्सर बाइक को भी नहीं चलाए हो गए, तो अगर आप लोग अपनी गेम के अंदर पल्सर बाइक को चलाना चाहते हो तो इसके लिए आपको सिंपली 1211 डायल करना होगा तो आपकी गेम के अंदर प्यारी सी पल्सर बाइक आ जाएगी। एंड गाइस आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बताओ कि मैंने आपको जो सारी सारी बाइक का चीट कोड बताया है उसमें से कौन सी बाइक का चीट कोड आप लोगों ने अभी तक ट्राई नहीं किया और उस बाइक को ड्राइव भी नहीं किया है। एंड गाइस अभी मैं आपको कुछ ऐसी बाइक का चीट कोड बताता हूँ जो कि मैं भी डेली यूज करता हूँ एंड शायद से आप लोग भी यूज करते होंगे। जे गाइस अगर आप लोग अपनी गेम के अंदर 400 डायल करोगे तो आप लोग को अपनी गेम के अंदर प्यारी सी ZX टर्नर बाइक आ जाएगी। एंड गाइस आप लोगों को बताओ कि मैं इस वाली बाइक का काफी ज्यादा यूज करता हूँ एंड मैं अपनी वीडियो के अंदर भी इस वाली बाइक को आपको ज्यादा दिखाता हूँ। एंड आप सब लोग मुझे कमेंट के अंदर बताना कि आप लोगों ने इस वाली बाइक को ड्राइव किया है या फिर नहीं। एंड गाइस अगर आप लोग अपनी गेम के अंदर 3000 डायल करोगे तो आप लोग को अपनी गेम के अंदर कावासाकी निंजा H2R बाइक देखने को मिलेगी। एंड गाइस लिटरली जो ये वाली बाइक है वो हमारी गेम की सबसे फास्टेस्ट बाइक है। एंड आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बताना कि आप लोगों ने इन सभी बाइक में से कौन सी बाइक को ड्राइव किया है एंड कौन सी बाइक को ड्राइव नहीं किया है। एंड गाइस अब हम बात करते हैं कि आप सभी लोग अपनी गेम के अंदर निसान जीटीआर कार को कैसे ले सकते हो। एंड अगर आप लोग अपनी गेम के अंदर बोट को लेना चाहते हो तो आप लोग अपनी गेम के अंदर बोट को भी कैसे ले सकते हो। एंड इस बार के अपडेट के अंदर क्या हम सभी लोग बड़े वाले एरोप्लेन को ड्राइव कर सकते हैं या फिर नहीं। तो गाइस सबसे पहले तो हम यही बात करते हैं कि हम इस बार के अपडेट के अंदर बिग वाले एरोप्लेन को ड्राइव कर सकते हैं या फिर नहीं। तो गाइस इस वाली चीज को चेक करने के लिए मुझे सिंपल यहाँ पर एयरपोर्ट पर जाना होगा एंड वहाँ पर मुझे सिंपली चेक करना होगा कि हम बिग वाले एरोप्लेन को ड्राइव कर सकते हैं या फिर नहीं। तो गाइस यहाँ पर मैं नागपुर एयरपोर्ट के अंदर आ चुका हूँ एंड यहाँ पर मैं जो सामने बड़ा वाला एरोप्लेन देखने को मिलता है उसके पास में सिंपल यहाँ पर चला जाता हूँ एंड वहाँ पर हम जाकर चेक करते हैं कि वहाँ पर हमें कोई बैठने का ऑप्शन वगैरह मिलता है या फिर नहीं। तो गाइस यहाँ पर मैं बिग वाले एरोप्लेन के पास तो आ चुका हूँ बट यहाँ पर हमें एरोप्लेन के अंदर बैठने का कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है। एंड यहाँ पर मैं RGS टूल के अंदर भी आ चुका हूँ एंड यहाँ पर मैंने एरोप्लेन डोर ओपन भी लिखा बट यहाँ पर डोर कुछ भी ओपन नहीं हुआ, यानी कि जो इस बार अपडेट आई उसके अंदर हम बिग वाले एरोप्लेन को ड्राइव नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारी गेम के अंदर जो फ्यूचर वाली अपडेट आएगी उसके अंदर हम शायद से बिग वाले एरोप्लेन को ड्राइव कर पाएंगे या फिर हम सभी लोग बिग वाले एरोप्लेन के अंदर जा पाएंगे, ऐसा भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। एंड गाइस आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बताना कि आप लोग हमारी गेम के अंदर बिग वाले एरोप्लेन को ड्राइव करना चाहते हो या फिर नहीं। एंड गाइस अब हम बात करते हैं कि आप लोग अपनी गेम के अंदर बोट को कैसे ले सकते हो, निसान जीटीआर कार को कैसे ले सकते हो। तो गाइस जो इस बार अपडेट आई उसके अंदर ही हमें ये दोनों की दोनों चीजें देखने को मिल जाती, लेकिन आप लोग को अपडेट 1 जनवरी को ही देना था तो इसीलिए इस बार के अपडेट के अंदर इन सभी चीजों को ऐड नहीं किया। लेकिन आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बताना कि इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट आएगी उसके अंदर आप लोग निसान जीटीआर कार एंड न्यू बोट को लेना चाहते हो या फिर नहीं। एंड गाइस मैं आपको कि मैं अब से नेक्स्ट अपडेट के ऊपर वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूंगा एंड अब मैं आपको कोई चीट कोड नहीं बताऊंगा, सीधा ये अपडेट बताने वाला हूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बताना कि नेक्स्ट अपडेट के अंदर आप लोग कौन सी चीज को देखना चाहते हो एंड आप लोग मुझे निसान जीटीआर कार एंड न्यू बोट के बारे में भी कमेंट कर देना। एंड कोई और चीज आपको लगती है कि हमारी गेम के अंदर एड हो तो हमारी गेम मस्त हो जाएगी तो उसके बारे में भी छोटी सी कमेंट कर देना। एंड गाइस अब से मैं आपके लिए टॉप 5 अपडेट के ऊपर ही वीडियो बनाऊंगा, अब मैं आपको कोई चीट कोड नहीं बताऊंगा क्योंकि आप लोगों को सारे चीट कोड पहले से पता होंगे। एंड गाइस एक वीडियो आएगी जो कि ऑल चीट कोड की होगी जो कि 2-3 दिन के अंदर आ जाएगी। एंड गाइस मैंने आपको जो गेम प्ले वीडियो के बारे में बताया था वो गेम प्ले वीडियो रेडी हो चुका है एंड 2 दिन के अंदर आपको वो गेम प्ले वीडियो भी देखने को मिल जाएगा। एंड गाइस जैसे कार फॉर सेल का पहला गेम प्ले वीडियो आएगा उसके बाद मैं इस चैनल
पर रेगुलर गेम प्ले वीडियो भी डालूंगा, अपडेट की वीडियो भी डालूंगा एंड IBD3 गेम की लाइव स्ट्रीम भी करूंगा। तो अब से तो हम लोगों को काफी ज्यादा मजा आएगा। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। एंड अगर सबसे मैं अपनी चैनल पर डेली 2 वीडियो अपलोड करने वाला हूँ तो शायद से आप में से किसी को नोटिफिकेशन ना आए तो प्लीज एक बार चैनल को विजिट करके वो वाली वीडियो देख लेना, ताकि आप लोग हमें थोड़ा सा सपोर्ट कर पाओ तो हमें भी थोड़ा मजा आए एंड आप लोगों को भी काफी ज्यादा मजा आए। एंड गाइस आप सभी लोग मेरा पहला गेम प्ले वीडियो देखना और उसके अंदर कमेंट भी करना एंड जरूर से बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। एंड गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। बाकी तो गाइस आज के इस वीडियो के अंदर मेरे पास बस यही सारी इन्फॉर्मेशन थी जो कि मैंने आपको बता दी है एंड आई होप कि आपको ये वाली वीडियो काफी ज्यादा मस्त लगी होगी। बाकी तो जिन जिन लोगों ने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को छोटी सी लाइक एंड चैनल को कर देना सब्सक्राइब। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।